वही लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन प्रशासन की कुछ तैयारियों से लोग काफी खफा हैं। आपको बता दें, प्रशासन द्वारा अधिग्रहित किए गए वाहन चालकों और परिचालकों के लिए मतदान की व्यवस्था नहीं करने से इनमें भारी रोष है। इनका कहना है कि प्रशासन एक तरफ तो 100% मतदान की बात कर रही है तो दूसरी तरह हमारे मतदान की कोई व्यवस्था नहीं है। साथ ही वाहन चालकों ने कहा कि हमारे से प्रशासन ने आईडी सहित मतदान करवाने के भी दस्तावेज ले लिए थे, फिर भी मतदान को लेकर यहां कोई व्यवस्था नहीं है। लोकसभा के चुनाव के चलते यहां पर कानून व्यवस्था बनाए रखनी पड़ रही है। आगे जाप्ता को ले जाने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था है, जेडीबी कॉलेज के यहाँ ईवीएम मशीनें रखी हुई है, इसलिए इधर से किसी को आने जाने नहीं है, पापा रहे हैं, मना कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई। सर, मतदान का हमारा अधिकार है, अगर हमारा मत नहीं डलता है तो हम इस चीज का विरोध करेंगे और माननीय कलेक्टर साहब से हम मिलकर हमारी बात को पहुँचाएंगे और हमें आश्वस्त करेंगे और हमारा वोट डलवाएंगे। ये जिम्मेदारी स्वयं कलेक्टर साहब की बनती है और हम हमारा अधिकार नहीं खोने देंगे।